एक पानी पूरी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है। तो एक बार आप इसकी आवाज सुनिए। तो देखा आपने कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी पानी पूरी। पानी पूरी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी इसमें मैं आटा लिया है, क्योंकि हम आटे के गोलगप्पे बना रहे हैं इसलिए आटा लिया है एक कटोरी, और उतनी ही मात्रा में मैंने सूजी लिया है, यानी कि जितना भी आप आटा लें उतनी ही आप सूजी ले लें, तो कोई भी कटोरी आप मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम सख्त आटा गूंद करके तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करें। आप चाहें तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ना नमक ना ऑयल कुछ भी ऐड नहीं किया है, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। डो हमारा लग के तैयार है, ये देखिए कितना टाइट है। अब हम इसको ढक करके लगभग 30 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद में हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम इसको एक या तो किचन प्लेटफॉर्म पे आप इसको निकाल लें, या फिर एक चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से आप इसको निकाल करके इसको अच्छे से हमें दोबारा नीट करना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, लगभग एक या दो छोटे चम्मच इतना ऑयल डालेंगे, और इसको हमें अच्छे से नीट करते हुए, अच्छे से गूंथते हुए एकदम सॉफ्ट कर लेना है। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसकी लोई बनाए ना, तो चारों तरफ से इसके किनारे फटे नहीं। इस तरीके का आटा आपको लगा करके तैयार कर लेना है। तो आप इसको अच्छे से नीट करिए, अच्छे से गूंदिए, और इसमें बिल्कुल भी पानी और ऐड ना करें। बस जो आपने ऑयल अभी यूज़ किया है ना, उतना ही ऑयल इसमें यूज़ करें, ज़्यादा ऑयल भी यूज़ ना करें। ऑयल यूज़ करने की वजह से ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकता है आपका आटा। आटा गूंद चुका है, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई तोड़ रहे हैं। आज हम जो पानी पूरी बना रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं। आप चाहे तो बिल्कुल छोटी छोटी इसमें से लोई बना लें, और उसको गोल गोल बेल करके आप पूरी पानी पूरी बना सकते हैं। लेकिन एक बार में अगर काफ़ी सारी पानी पूरी हमको बनानी है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उस प्रोसेस में, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप सारी लोई बना करके इस तरह रख लें एक बोल में। सारी लोई मैंने लिया है और एक लोई को मैंने ले लिया है हल्का सा ऑयल डालते हुए, ताकि ये चिपके नहीं, सिर्फ इसलिए। या फिर आप सूखा आटा भी इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसको एकदम पतला बेलना है हमें, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लगाना है, थोड़े हल्के हाथ से बेलना है। क्योंकि अगर जहाँ भी प्रेशर ज़्यादा होगा ना, पानी पूरी वहाँ से नहीं फूल पाएगी। यानी जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ से दब जाएगी पानी पूरी, वहाँ से वो पिचकी रह जाएगी, फूल नहीं पाएगी। थोड़ा हल्के हाथ से आप इसको बेल लें। रोटी को बेलने के बाद में ये देखिए पतली मैंने बेल ली है। आप कोई भी आप कुकी कटर ले लें, या कोई भी ढक्कन ले लें। मैंने ये कुल्फी मोड़ ले लिया है। इससे आप अपने पसंद के साइज़ की जो पानी पूरी है उनको कट करके एक प्लेट में लगा लें, और प्लेट में रखने के बाद में आप इसको एक हल्के गीले कपड़े से ढक करके रख दें। बिल्कुल एकदम कॉटन का कोई कपड़ा ले लें, पानी से एक बार धो लें और अच्छे से निचोड़ लें, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, और ऊपर से इनको कवर कर दें ताकि ये सूखेंगे नहीं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो, अगर आप ज़्यादा मात्रा में नहीं बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ढकने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको ऐसे ही प्लेट में लगा करके छोड़ सकते हैं। तो सारी पानी पूरी हम इसी तरह से बेल करके बेलनी है। यहाँ पर हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए। अब जो पानी पूरी का सूखी वाला जो साइड होता है, उसको हम तेल की तरफ डालेंगे। यानी कि जब हम पानी पूरी को बेल के रखते हैं तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सूख जाती हैं, तो उसको हम तेल की तरफ डालेंगे, और सॉफ्ट साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और झारे को हम इस तरह से हिलाते रहेंगे लगातार, तो आप देख सकते हैं कि हमारी पानी पूरी अपने आप ही फूल रही है। हमें एक भी पानी पूरी को दबा दबा कर फुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छी फ्लेम पर इनको अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। बिल्कुल भी ये वाइट नहीं दिखनी चाहिए, अच्छा गोल्डन कलर आना चाहिए इन पर, तभी ये क्रिस्पी होंगी। और बहुत ज़्यादा देर तक इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, हाई फ्लेम पर आप फ्राई करें। ये देखिए कितनी आसानी से ये बन गई है, बस हमें झारे को लगातार हिलाते। तो हमने अपनी सारी पानी पूरी इसी तरह से बना करके तैयार कर ली है। एक बार फिर से मैं आपको पानी पूरी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ऐसे ही पानी पूरी आपकी भी बनेगी। आप हर चीज़ का ध्यान रखिएगा, चीज़ों का जो मेजरमेंट है उसका ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, ऑयल का टेम्परेचर, और बेलते वक्त ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा दबाव ना पड़े। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं।